तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप कुमार। आप देख रहे हैं एस टेक्निकल संदीप, ठीक है। तो अब मेरे चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी थी, तो मैंने अपने चैनल कैसे बचाया तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाया तो मैं कहाँ था और मैं क्यों नहीं बनाया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, वीडियो क्यों नहीं आ रहे आपके। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा क्यों मैंने वीडियो नहीं डाल पाया और इन दोनों मैं कहाँ था। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका था। जी हाँ, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका था। तो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और मैं यार अपना चैनल खोना नहीं चाहता था, और मैं जो है इतनी मेहनत की, और पता लगता है कि आपका चैनल जो है 7 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपने ये गलती की है, कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी माफ़ नहीं होती और आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना है, और मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए रिलेटिव टेक्निकल जो है हेल्प के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो मेरे फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई फर्स्ट स्ट्राइक आई है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वीडियो डालता रहा। उसके बाद सेकंड स्ट्राइक आ गई, ठीक है। जब सेकंड स्ट्राइक आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार सेकंड स्ट्राइक आ गई, अब तो चैनल जो है ख़त्म होने ही वाला है, एक और आ गई, ठीक है। तो खुदा न खास्ता, मतलब 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे और जो है मेरी 3rd कॉपीराइट स्ट्राइक उसमें भी आ गई, ठीक है। जैसे कि अब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मैं दिखा दूंगा, पहली कॉपीराइट, फिर सेकंड कॉपीराइट, ये 3rd कॉपीराइट, ठीक है। तब अब मैंने अपना जो चैनल कैसे बचाया 3 कॉपीराइट स्ट्राइक होने के बावजूद, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, तो भैया कॉपीराइट स्ट्राइक एक चीज़ वो होती है जो चैनल के लिए बहुत हानिकारक, आपके चैनल को बहुत ही लो में देखा जाता है, आपका चैनल बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपका चैनल जो है आपकी जो ग्रो होता है उसको रोक दिया जाता है। यूट्यूब खुद करता है, क्या ये प्रोसेस खुद यूट्यूब करता है, ठीक है। तो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने से ये होता है। जैसे कि आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद इसको 3 तरीके से आप हटवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी है। मैं YouTube की ही पॉलिसी आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी जो वो है अपनी राय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। YouTube की पॉलिसी क्या है और YouTube की पॉलिसी से ही मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाई, ठीक है। तो जो फर्स्ट आप कॉपीराइट स्ट्राइक 3 तरीकों से हटवा सकते हो, देखो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो 3 महीने के अंदर हट जाती है, ठीक है, एक्सपायर होती है, ठीक है। आप या तो 3 महीने इंतज़ार कर सकते हो, 90 दिन, ठीक है, 90 दिनों के बाद आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है कि आप जो है अपना जिस बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई है उससे आप अपना जो है ईमेल कर सकते हो। फास्ट ये फॉरवर्ड तरीका है ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने से कांटेक्ट करके, क्योंकि जब कोई बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो उसके पास जो ईमेल होता है, ईमेल दिया जाता है, उससे आप कांटेक्ट कर सको, ठीक है, उससे कांटेक्ट करके आप हटवा सकते हो, ठीक है। रिट्रैक्शन ये होता है, रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब 3rd प्रोसेस क्या होता है, काउंटर नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में समझना है, एक एक प्रोसेस मैं बताऊंगा, ठीक है। अब तो मेरे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी थी और यार मैं चैनल अपना खोना नहीं चाहता था, और मेरे 2 चैनल थे, ठीक है, जो मैंने ये चैनल जो है ये मैंने SK टेक्निकल था, ठीक है, और जो सेकंड चैनल था वो टेक्निकल संदीप, फिर मैंने नाम बदल दिया, जो टेक्निकल संदीप था उसका SK टेक्निकल, जो SK टेक्निकल था वो टेक्निकल संदीप, ये SK टेक्निकल था तो मैंने टेक्निकल संदीप कर दिया, ठीक है।
तो मेरा वो जो सेकंड चैनल था वो ख़त्म हो चुका है। ये जैसे कि टेक ये देख सकते हो एसके टेक्निकल, ठीक है। ये चैनल मैंने लगभग 6 महीने पहले बनाया था, और ये जो चैनल है ये मैंने लगभग 2 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो इस पे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू था, कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से ख़त्म होने वाला था। और जो सेकंड चैनल था वो कॉमेडी गाइडलाइंस के से मेरा चैनल ख़त्म होने वाला था, ठीक है। होने वाला का मतलब हो ही गया, आप लोग देख सकते हो। वो चैनल मेरा जो है 6 महीने मैंने मेहनत की, पूरा मेरा चैनल मैंने तैयार किया। एक बच्चे जैसा नहीं होता, उसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है तो वो बड़ा होता है, तो ऐसे मैंने तैयार किया। और एक दिन आता है कॉमेडी गाइडलाइंस, तो एक लगी दो लगी, और मेरा दो में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि 3 कॉमेडी गाइडलाइंस में ख़त्म होता था। बट YouTube ने क्या बग है, YouTube का क्या है वो है, जो मेरे 2 ही कॉमेडी गाइडलाइंस में चैनल मेरा टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये चैनल भी ख़त्म होने वाला था। अब मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि यार एक चैनल तो अपना बचाना है, तो मैं सब कुछ डील दिया। और आपने देखा होगा एक महीने मैंने 1.5 महीने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं ये सोचता था अगर जो मैंने कोई नया वीडियो डाला तो मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, तो आती भी थी। क्योंकि मैंने जैसे ही वीडियो मैं नहीं डालता था, जब एक आई तो सेकंड मैंने वीडियो डाला उस पर भी आ गई, यार दिमाग ख़राब होगा। तीसरा भी वीडियो डाला उस पर आ गई, क्योंकि फिर मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। अब भाई जो ये कॉपीराइट स्ट्राइक है इसे हटवाना है, मैं लग गया तो ठीक है। तो जैसे कि जो अभी साउ मूवी आई थी, तो मैंने उस मूवी को डाउनलोड करवाया, ठीक है। उस मूवी को डाउनलोड करवाने के बाद और मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू डाउनलोड साउ मूवी, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले तो आप 3 कॉपीराइट स्ट्राइक देख लेना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो जैसे कि अब साउ मूवी मैंने डाउनलोड करवाई, अब क्या हुआ तो मेरा वीडियो था रिकमेंडेड हो गया, और उस पर 3,000 व्यू पहुंच गए थे बहुत जल्दी, मतलब 7 दिन में मेरे 3,000 व्यू हो चुके थे, ठीक है। वो वीडियो मेरा बहुत फास्ट वायरल हो रहा था, बहुत उस पर सब्सक्राइबर भी आ रहे थे, बहुत अच्छे आ रहे थे। और शाम का वक्त था और मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि यार कॉपीराइट स्ट्राइक होता है वो किसी का, जब वीडियो आप चुराते हो या वीडियो आप डालते हो अपने चैनल पे किसी का बिल्कुल सेम, तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो मैंने तो यार वो चीज़ की नहीं, और मेरे जो कॉपीराइट स्ट्राइक है और इस बंदे ने दे दिया मुझे, तो मेरे को बड़ा वो लगा। तो मैंने, क्योंकि मैं पूरा YouTube का पॉलिसीज पढ़ चुका था, रीड कर चुका था अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ज़रा सा भी टेंशन नहीं लिया कि ये जो बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है भाई इसने फेंक दिया है, तो मैं समझ गया था। क्योंकि जब कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपको गलती नहीं करना, आपको अगर जो आप सही हो ना तो आप सही हो, अगर जो जिस बंदे ने फेंक दिया है ना तो आप जानते हो, तो फेंक उसका जो जिसने दिया है आप हटवा सकते हो। अगर जो भाई आपने चोरी की है या किसी का कंटेंट चुराया है तो डाला है, तो आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो भाई नहीं हटेगी, ठीक है, आप भूल जाओ। अगर जो आप सही हो, और यहाँ पे क्या होता है आपके सही सही वीडियो पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक यार आ जाती, मेरे भी आई थी, यही 3 आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो फर्स्ट कॉपीराइट हटवाने के लिए मैंने सबसे पहले काउंटर नोटिफिकेशन किया, ठीक है। देखो जैसे कि अब क्या होता है कि 3 तरीके से आप कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हो। फर्स्ट क्या हुआ कि आप जो है फर्स्ट में ये होता है कि आप रिट्रैक्शन करके हटवा सकते हो, और जो सेकंड है उसमें काउंटर नोटिफिकेशन, और फर्स्ट जो है उसमें 90 दिन इंतजार कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो ये थर्ड वाली थी, यानी कि ब्रह्मास्त्र, जो जब जैसे कि जो वीडियो की रिट्रैक्शन करके आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा, हट नहीं रही, ठीक है, तो आपके पास एक बचता है लास्ट वाला उपाय, जो थर्ड प्रोसेस है ब्रह्मास्त्र, जिससे आप पूरी दुनिया जो है तहस नहस हो जाती, वो उसे कहते हैं कि काउंटर नोटिफिकेशन कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो आप कर दोगे ना, वो ब्रह्मास्त्र के तरीके से आपके चैनल को बचाएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, पूरा मैंने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, तो काउंटर नोटिफिकेशन मैंने कर दिया, ठीक है। तो उस बंदे के पास जब काउंटर नोटिफिकेशन गया, ठीक है,
तो यूट्यूब ने उसे ईमेल किया, भाई देखो आपने जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको कॉपीराइट स्ट्राइक इस बंदे को दिया है मेरे को, ठीक है। तो उसने काउंटर नोटिफिकेशन किया है, ठीक है, उसने दावा किया है कि ये मेरा कंटेंट है आपने फेंक दिया है। तो यूट्यूब उस बंदे को जिसने दिया है उसको 10 व्यावसायिक दिन का मौका देता है कि आप जो है मुझे 10 दिनों के अंदर एक प्रूफ दीजिए, ओरिजिनल प्रूफ दीजिए, लीगल प्रूफ दीजिए, जिससे मैं मानूं कि ये आपका वीडियो है। तो उसको दिया 10 दिन का अंतर। तो 10 दिन होने के बाद तो उसने जो है मतलब लीगल कोई प्रूफ दे नहीं पाया। और यार यूट्यूब जो वीडियो है आपका लीगल प्रूफ क्या दे सकता है, क्या कोई दे सकता है, आप बताइए। तो हम लोग वो जीत जाते हैं यार, आप काउंटर नोटिफिकेशन करके आप कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आप जीत जाते हो, वहाँ से केस लड़ते हो आप जीत जाते हो। अब कोई दे ही नहीं पाता यार, अगला बंदा जो ओरिजिनल प्रूफ, अब क्या ओरिजिनल प्रूफ देगा, तो वो दे ही नहीं पाता। और हम लोग जो है कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हट जाती है, ठीक है। तो आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना, धैर्य रखना है। आपको एक हो या दो हो या तीन हो, आपको कॉन्टिन्यू नोटिफिकेशन ये पूरा ब्रह्मास्त्र की तरीके से काम करता है, ठीक है। आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हट जाती है। और सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक मैंने हटवा दी, कैसे हटवाई, वो रिट्रैक्शन से, क्योंकि अब मैंने क्या किया था, जिस जो बंदे ने दिया उसको मैंने ईमेल किया, सुबह करता था, शाम को करता था और दोपहर को करता था, तीन टाइम करता था। और वो बंदा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहता तब भी मैं करता था, और ट्विटर पे आता था तब भी मैं करता था। उसे मैंने परेशान कर दिया, जैसे कि कोई वो नहीं होती, जैसे कोई जैसे कि कोई किसी को पकड़ना हो और कोई क्रिमिनल है तो चारों तरफ से पुलिस नहीं लगती है, गोली तान देती है, वैसे ही मैंने किया। जहाँ से भी वो ऑनलाइन आता था वहीं से मैं एक रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मेरा जो जो कॉपीराइट है उसे रिट्रैक्ट कर लो, रिट्रैक्ट कर लो। वो परेशान हो गया बंदा, चारों टाइम तरफ से मैंने उसे जो है ये रिट्रैक्ट करने की बहुत कॉन्टैक्ट किया और वो परेशान हो गया बंदा। तो उस बंदे ने कहा, जो उसने ट्विटर पर रिप्लाई किया कि भाई मैं आपकी जो कॉपीराइट है उसे हटा दूंगा, तो मुझे विश्वास हो गया कि अब ये बंदा हटा देगा। तो उस बंदे ने हटवा दी मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अब मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक बची हुई है। तो ऐसे आप जो है कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हो, अगर जो आपके चैनल पे तीन तीन लग चुकी हैं या एक लगी है या दो लगी हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी ज़रा सा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराओगे तो आप जो है अपना चैनल खो दोगे, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस इसमें है कि आप अपना कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हो तीन तरीके से। अब जो लास्ट वाला होता पूरा ब्रह्मास्त्र के तरीके से काम करता है। अगर जो तीन लगी हैं तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। अब क्या होगा कि अगर जो देखो कॉपीराइट स्ट्राइक या काउंटर क्लेम से आपका चैनल नहीं ख़त्म हो जाता, ठीक है, आपका या तो दो ही तरीके से यूट्यूब रिप्लाई कर देगा, या तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या आपका डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो आपके चैनल पे ज़्यादातर कोई प्रूफ वो नहीं पड़ता इफेक्ट कि आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। लोग बताते हैं कि काउंटर नोटिफिकेशन था आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा, तो भाई मैंने किया, आप लोग देख सकते हो मेरा रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, बट मेरा चैनल क्यों नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं होता कि चैनल ख़त्म हो जाएगा काउंटर नोटिफिकेशन करने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप काउंटर नोटिफिकेशन करो, करना ही पड़ेगा, एक हो या दो या तीन हो, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र इस तरीके से यार काम करता है, पूरा एकदम बहुत अच्छे से काम करता है काउंटर नोटिफिकेशन। आपको न्याय मिलता है, जैसे कि वकील लिखता है ना, आपको काउंटर नोटिफिकेशन में जैसे वकील लिखता है ना, एक एक एक्सप्लेन करता है, ये मेरा वीडियो है, ये मैंने ये यूज किया, पूरे अच्छे से आपको एक ईमेल लिखना है और यूट्यूब को काउंटर नोटिफिकेशन करना है, ठीक है, आपका चैनल बच जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने ऐसे ही अपना ये चैनल बनाया, बचाया, और मैंने सफल भी हुआ। ऐसे आप चैनल बचा सकते हो अपना, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मैं ऐसे ही टेक्निकल आपके हेल्प के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।